नमस्कार, द चंबल पोस्ट देख रहे हैं आप और आपको सीधी तस्वीरें मुरार के हुरावली चौराहे से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुरार नदी का जो विकराल रूप है वो आज यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव जो है वो यहां पर मुरार नदी का हो चुका है। सड़क के ऊपर जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है और हम आपको सीधी तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ग्वालियर के अंदर लगभग 36 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, 36 घंटे की जो बरसात है वो पहले राहत की बारिश थी लेकिन अब आफत की बारिश में तब्दील होती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने चौराहे के ऊपर पूरी तरह से जो जाम है वो कर दिया है, पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितना तेज बहाव है अभी फिलहाल नदी का, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इसे पार करने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। और ग्वालियर शहर के अंदर पहली बार इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है, जहां पर मुरार नदी का जो फ्लो है वो इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। हुरावली के पास हम मौजूद हैं और आपको पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार जो नदी के उद्धार के लिए कार्य किया जा रहा था, यहाँ पर नदी के चौड़ीकरण के लिए कार्य किया जा रहा था और नदी को काफी चौड़ा कर दिया गया था, और आज यहाँ पर जब ये बारिश हुई है तो नदी का जो बहाव है वो काफी तेज हुआ है और इस तेज बहाव के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो भी लोग इस लाइव वीडियो के अंदर जुड़ते जा रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ग्वालियर शहर के बीचों बीच इस प्रकार से जो नदी का विकराल रूप देखने के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये आश्चर्यचकित करने वाला है, लेकिन ये भी बताता है कि अगर हम प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ क्या परिस्थितियां जो हैं वो बनाती है। क्योंकि यहाँ पर ये जो नदी है इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं, उसका कारण ये है कि नदी के ऊपर जो पानी है वहां पर रमुआ डैम की तरफ से ये जो पानी है ये ओवरफ्लो हो रहा है, और रमुआ डैम का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर मुरार नदी की तरफ जब आ रहा है तो यहाँ तक जो नदी है इसे चौड़ा कर दिया गया है। लेकिन इसके आगे यानी ग्वालियर शहर के अंदर सिरोल से जब आगे नदी बढ़ती है तो वहां पर जो है वो नदी है वो कम चौड़ी है और जो परिस्थितियां हैं वो काफी ज्यादा गंभीर है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगातार लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कह रहा है, लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, और आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर सभी व्यवस्थाओं को बनाने में लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर मौजूद है, आप ये जो आपको डिवाइडर नजर आ रहे हैं ये डिवाइडर जो है वो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि जब ये पानी ओवरफ्लो हो रहा था तो उस दौरान यहाँ पर पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इन घरों के अंदर जो पानी है वो बुरी तरह से भर गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन फिलहाल अब प्रशासन जो है उन्हें ये बोल रहा है कि वो धीरे धीरे अब घरों से बाहर निकलें। पानी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है। जो भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि वो इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, और लगातार जो है पानी का बहाव जो है वो काफी ज्यादा तेज बना हुआ है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मौसम विभाग है उसका ये कहना है कि जो वेदर फोरकास्ट है अगर उसकी हम माने तो लगभग 2 बजे के आसपास जो है बारिश का जो फोरकास्ट है वो दोबारा से बताया गया है। लेकिन अगर ऐसे में अगर बारिश का फोरकास्ट होता है और बारिश दोबारा से शुरू हो जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो ग्वालियर शहर की बढ़ सकती हैं। आसपास के गांवों की मैं आपको स्थिति बता दूं कि काफी सारे ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क जो है वो ग्वालियर से पूरी तरह से कट गया है। अगर हम डबरा और भितरवार की बात करें तो नौन नदी जो है वो काफी ज्यादा ओवरफ्लो हुई है। नौन नदी के ओवरफ्लो होने से जो बहाव है वो काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो कनेक्शन है वो डबरा भितरवार से भी ग्वालियर का कट गया है। अब हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बहाव है नदी का वो काफी ज्यादा तेज होता जा रहा है, और हम आपको जो सीधी तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को चौराहे पर ही रोक दिया है, इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। और यहाँ पर आगे की तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम फिलहाल जहाँ मौजूद हैं यहाँ से आगे की तरफ सिरोल थाना है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर सिरोल थाना आगे की ही तरफ है, और आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है थाने का पूरा जो स्टाफ है वो यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को बनाने में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। मुरार नदी का पहली बार इस प्रकार का जो रूप है वो देखने के लिए मिला है। हम यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। भाई साहब, अभी क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या अपडेट है? जी जी, अभी सुबह के टाइम ज्यादा बहाव था जी, अभी फिलहाल आप लोगों ने पूरा रास्ता बंद कर दिया है, क्या अभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए भी कह रहे हैं? नहीं, अभी नहीं निकलने देंगे जब तक पानी पूरा खाली नहीं रहेगा, जब तक नहीं निकलने देंगे। यहाँ पर हम आपको पुल की तरफ से भी जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि वो इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुरार नदी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो चौराहे पर मौजूद है।
और हम पुल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक तस्वीरें दिखा सकें कि किस प्रकार से ये जो पुल की तरफ जो स्थितियां हैं वो कैसी बनी हुई हैं और बहाव जो है पानी जो है वो कितना ज्यादा है यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुल के ऊपर अभी फिलहाल आवागमन जारी है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर बारिश थोड़ी सी और ज्यादा तेज होती है तो ऐसे में ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि पानी जो है वो इस पुल के ऊपर आ जाए। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि नदी का बहाव जो है, नदी का पानी जो है, नदी का फ्लो जो है वो इतना ज्यादा है कि पहली बार जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी पूरी नदी जो है वो यहाँ पर चल रही है। खेतों के अंदर जो पानी है वो भर चुका है। रमोवा डैम से जितना भी पानी ओवरफ्लो होकर आ रहा है वो सीधे यहाँ पर नदी के पास भर रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब आपको नजर आ रहा होगा कि कितना ज्यादा पानी जो है वो फिलहाल मुरार नदी के अंदर चल रहा है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग लाइक जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। और पहली बार आप देख सकते हैं कि पुल से सिर्फ कुछ फुट नीचे ही पानी रह गया है। अगर यहाँ पर बारिश एक बार फिर से जितनी बारिश पिछले 24-36 घंटे में हुई है, अगर इतनी बारिश दोबारा से होती है तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं वो काफी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। ग्वालियर के कई गांवों से कनेक्शन जो है वो फिलहाल कट चुका है। ग्वालियर शहर का आपको बताना चाहेंगे कि डबरा भितरवार के अंदर जो नॉन नदी ओवरफ्लो हुई है उस ओवरफ्लो के कारण जो है डबरा भितरवार का भी जो कनेक्शन है वो कट गया है। लेकिन आपको ये सीधी तस्वीरें हम सिरोल चौराहे से दिखा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर चौराहा भी जिसे कहा जाता है, और वहां पर आप देख सकते हैं मुरार नदी का जो विकराल रूप है वो देखने के लिए मिल रहा है। जो भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है वो इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। और हमने आपको पूरी जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश की है।